हेलो एवरीवन, सो आज हम आपके पास एक अच्छी सी रीडिंग लेके आए हैं और छोटी सी रीडिंग है और आज हम आपको बताएं कि डिवाइन के क्या मैसेज हैं इस हफ्ते के लिए या आने वाले हफ्ते के लिए। डिवाइन मैसेजेस एंड गाइडेंस फॉर द वीक। तो डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी, देखते हैं। जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे उसको रखिए, रेजोनेट ना करे जाने दीजिए। सभी जेंडर्स के लिए है। न्यू टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते यानी कि एक वीक में आपके लिए डिवाइन्स के क्या मैसेजेस गाइडेंस हैं। और जब भी ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे उससे एक हफ्ते आगे की ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो लेट्स बिगिन विद कार्ड। कार्ड्स हम एक या दो लेंगे सभी डेक से। सो पहला मैसेज है, पहला कार्ड आया है यहाँ पे, Have faith in your dream. Waxing crescent moon का कार्ड है और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आपके जो भी सपने हैं, जो भी आपको करियर के लेके सपने, हो सकता है कि किसी का प्रमोशन को लेके हो, किसी का न्यू जॉब के लिए लेके हो, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं साथ साथ हार्ड वर्क भी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो अपने सपनों में विश्वास कीजिए, अपने मेहनत में विश्वास कीजिए और आपको वो चीज़ मिलेगी। और अगर प्यार चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डिवाइन का आपको मैसेज है कि अपने आप पे विश्वास रखें, ईश्वर पे विश्वास रखें। डिवाइन आपके लिए काम कर रहा है, डोंट वरी। अगर आपका इरादा अच्छा है, मन अच्छा है, तो डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन काम कर रहा है आपके लिए। और अपने सपने जो भी हैं आपके प्यार को लेके, काम को लेके, वो सपने पूरे होंगे और विश्वास कीजिए। तो ये वीक बहुत अच्छा मैसेज और गाइडेंस भी आया है आपको और सारे सपनों के पूरा होने का समय भी है। सो अब हम टैरोट से भी देखते हैं कि क्या है आपके लिए डिवाइन मैसेजेस ऑफ द वीक। डिवाइन मैसेजेस ऑफ द वीक फॉर व्यूअर्स क्या है, डिवाइन मैसेजेस ऑफ द वीक, डिवाइन मैसेजेस ऑफ द वीक फॉर व्यूअर्स। सो पहला कार्ड है थ्री ऑफ कप्स का, आप देख सकते हैं थ्री ऑफ कप्स है यहाँ पे। एंड और देखते हैं क्या कुछ है, लेट्स सी, एक कार्ड हम और लेंगे, किंग ऑफ वैंड। सिर्फ दो कार्ड हमने लिया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि एक या दो कार्ड जो अर्जेंट मैसेज होते हैं डिवाइन के, मैसेज ऑफ द वीक, वो ज़्यादा कार्ड हम नहीं लेंगे क्योंकि एक अर्जेंट मैसेज के तौर पे ही है ये रीडिंग। देखिए, सपनों के पूरा होने का समय है, थ्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशंस का समय है। हो सकता है कि आपको मौका मिले आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में सेलिब्रेट करने का, कोई समारोह में जाने का, कोई इवेंट में जाने का, कोई गैदरिंग में जाने का जहाँ सेलिब्रेशन हो, जश्न हो, ऐसे भी फेस्टिव सीजन है तो ये मौका मिल सकता है आपको। और फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट रहेगी आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में फ्रेंड्स के साथ आप समय बिताएंगे। कुछ रीयूनियंस यानी कि रीयूनियंस हो सकते हैं जिनके पर्सन दूर हैं। मान लीजिए कि आप अपने पर्सन से दूर हैं, नो कॉन्टैक्ट में, तो वहाँ रीयूनियन के चांसेस हैं। कुछ पार्टियों में सेलिब्रेशंस भी हो सकता है, सोशलाइजिंग भी हो सकती है, फेस्टिवल, जी हाँ, फेस्टिवल की वाइब मेरे पूरी आ रही है यहाँ पे। फेस्टिव सीज़न है तो आप लोग त्यौहार का पूरा आनंद उठाएंगे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, लवर के साथ, जिनके साथ भी आप आजकल हैं उनके साथ पूरा एंजॉय कर पाएंगे। किसी वेडिंग का या एंगेजमेंट का हिस्सा भी आप हो सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। कुछ लोग ग्रेजुएशन की जश्न भी मना सकते हैं, कहीं भी आप दुनिया के किस कोने में हो, आपने एग्ज़ाम दिया होगा, ग्रेजुएशन कर लिया होगा, तो वहाँ एक अच्छी वाइब आ रही है कि आप अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन कर लेंगे। किसी की बेबी शावर भी हो सकती है फैमिलीज में। हैप्पी टाइम्स, इस कार्ड का यही मतलब वो टोटल मुझे निकल के आ रहा है कि डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आने वाले हफ्ते में बहुत सारी खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। किसी कम्युनिटी या ग्रुप इवेंट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सोशल इवेंट का भी हिस्सा हो सकते हैं, यानी कि खुशियाँ हैं, किसी वजह से वो खुशियाँ, लेकिन खुशियाँ आ रही हैं। सेलिब्रेशन, म्यूचुअल सेलिब्रेशन नेक्स्ट वीक में आपको आ सकता है। सेकंड है, देखिए बहुत समय से कुछ लोग, मुझे लगता है कि मैरिज का भी वेट कर रहे हैं, कोई अच्छे रिश्ते का वेट कर रहे हैं, कोई अच्छा रिश्ता आ नहीं रहा आपके मुताबिक, तो कोई पावरफुल इंसान जिसको अच्छी खासी अथॉरिटी है, अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, तो किसी डार्क मैन या वीमेन का आपको प्रपोज़ल आ सकता है या उनकी फैमिली से प्रपोज़ल आ सकता है।
या किसी की शुरुआत जो हो रिश्ते की होगी वो एक फ्रेंड के तौर पे होगी और आगे जाके वो एक रिश्ते में बदल सकती है। और लीडरशिप, आपको कोई अच्छी लीडरशिप आने वाला समय में मिलने वाली है, इसका आप ध्यान रखिएगा। कोई लीडरशिप आपको मिल रही है, डोंट वरी। और कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे आपके लाइफ में आने वाले हफ्तों में जिससे बिल्कुल भी कंट्रोल, सब चीज़ों का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। हो सकता है कि फैमिली में किसी विशेष चीज़ का, स्पेशल चीज़ का कंट्रोल आपको दिया जाए जिससे आप बिल्कुल सक्सेसफुली चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। तो ये तो टैरोट से हुई, अब हम मिनी टैरोट से भी देखेंगे, क्योंकि मिनी टैरोट से भी देखना ज़रूरी है। सारे डेक्स हैं तो मिनी टैरोट से भी देखना ज़रूरी है। लेट्स सी, दो कार्ड हम मिनी टैरोट से लेते हैं। मैसेजेस, गाइडेंस, रिलीफ या अलर्ट भी हो सकता है। कोई मैसेज अलर्ट के तौर पे भी आ सकता है कि उस चीज़ से आपको बचाव करना है, बट अभी तक तो ऐसा आया नहीं है। लेट्स सी, दो कार्ड हमने लिए हैं। ये कौन से कार्ड है? देखिए, दो कार्ड आई, जो मैं बोल रहा था वो उस चीज़ आ ही गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं दो कार्ड निकल के आया है। एक है नाइन ऑफ सोर्ड्स और एक है सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो आप लोग को सावधान रहने की ज़रूरत है, ये कार्ड बता रहा है। कोई चीज़ आपकी चोरी हो सकती है, लॉस्ट हो सकती है, कोई आपको धोखा दे सकता है। तो यहाँ आपको एक अलर्ट के तौर पर डिवाइन का ये मैसेज आया है। सो और यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि आपके लाइफ में प्यार आ रहा है। आप हो सकता है किसी ब्रेकअप के दौर से गुजरे हैं और किसी परेशानी से गुजरे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पैसों के मामले में तो सब सही है, लेकिन प्यार के मामले में कोई बड़ा ब्रेकअप हुआ जिससे आपको रातों को नींद नहीं आ रही है। कोई रिग्रेट भी है, कोई दुख है, किसी चीज़ का आपको पछतावा है जिसके कारण आपको नींद नहीं आ रही है। तो डोंट वरी, बिल्कुल भी डिवाइन आपके साथ है। आप बिल्कुल भी अपने जो मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करके उसको आप उस चीज़ से निकल सकते हैं और आगे की लाइफ देखनी होगी आपको। कुछ लोग के लिए मैसेज है जो अलर्ट के तौर पे आई है, तो इसको आपको ध्यान से देखना होगा आगे की लाइफ के लिए। अब हम डिवाइन द्वारा एंजल से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज ऑफ द वीक है। लेट्स सी, मैसेज ऑफ द वीक फ्रॉम डिवाइन, मैसेज ऑफ द वीक फ्रॉम डिवाइन। बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी, बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो आपको खुश करेंगे। इन सब चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप सेवन ऑफ सोर्ड्स और जो नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है उससे आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस है। तो वो चीज़ जो आपको लॉस्ट कर रही थी, आपको परेशान कर रही थी, उन चीज़ों से आप निकल के आएंगे, उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा। डिवाइन का ये मैसेज है। एक कार्ड हम और लेंगे एंजल से, जहाँ आपके गाइडेंस, मैसेजेस, रिलीफ कुछ भी निकल के आ सकता है। लेट्स सी, डिवाइन मैसेजेस ऑफ द वीक। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस आपका एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। ये कार्ड मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे रीडिंग्स में, मेरी ये चीज़ें बार बार आती है, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत सारे रिलेशंस में होता है कि वो लोग छोड़ के चले जाते हैं और आप भूल नहीं जा पाते हैं, उनको माफ़ नहीं कर पाते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई गलती करते हैं, खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पे फॉरगिवनेस आ रहा है, एक वर्ड में है। आपको सारी चीज़ें फॉरगिव करनी होंगी, भूलना होगा, सभी को माफ़ करना होगा। अगर आप माफ़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, भूल जाएंगे उन चीज़ों को, तो नई नई चीज़ें बिग हैप्पी चेंजेस के रूप में आपके सामने आने वाली है। देखिए, क्योंकि बदलाव आ रहा है आपके लाइफ में, आपको भूलना होगा। मुझे लगता है बहुत सारे लोग रातों को सो नहीं पा रहे, बहुत सारी परेशानियाँ हैं आपको, पुराने चीज़ों को लेके बहुत सारी परेशानियाँ हैं। ये कार्ड मुझे बता रहा है उसका ख़त्म होने का समय आ रहा है। डिवाइन का मैसेज यही है। सो अब हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट गाइड क्या बताते हैं, क्या कुछ मिल सकता है आपको एनिमल स्पिरिट गाइड से। लेट्स सी, एनिमल स्पिरिट गाइड मैसेजेस, एनिमल स्पिरिट गाइड मैसेजेस फॉर यू। रैबिट, एन एलिफेंट। सो हम देखते हैं यहाँ पे ये कार्ड्स क्या कहते हैं डिवाइन के तौर पे। लेट्स सी, तो पहला कार्ड है यहाँ पे रैबिट। आप में से कुछ लोग अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है,
देखिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाले हैं आने वाले दिनों में, और आप एक गुड लिसनर हैं, यानी चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तभी कुछ एक्शंस लेते हैं, और प्रॉब्लम आपको बिल्कुल सॉल्व होंगे आपके, आपको सुनना पड़ेगा, आपको लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, सब तरह के लोगों से कम्युनिकेशन करना होगा। आपको किसी को ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, या अपनी कोई बात बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किसी को नहीं करनी है। ये गाइडेंस है आपका डिवाइन की तरफ से। ज़्यादा तेज़ी से बात भी नहीं करना है आपको, किसी के साथ फास्ट कम्युनिकेशन नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप किसी से ज़्यादा बात करते हैं तो थोड़ा संभल के भी क्या कीजिए, नहीं तो क्या होती है कि ऐसी चीज़ें रिवील हो जाती है जो आपके लिए बुरी हो सकती है बाद में जाके। और आपके लिए डिवाइन का एक स्पेशल मैसेज है कि आप बिल्कुल, आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आजकल, आपको शांति नहीं मिल रही है, या आप किसी रिलेशनशिप में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो एक चीज़ सिर्फ यहाँ डिवाइन की तरफ से बताई जा रही है आपको एनिमल स्पिरिट कार्ड के द्वारा, कि आपको थोड़ा ब्रेक लेना होगा, 1-2 दिन की छुट्टी लें, कोई मिनी वेकेशन पे जाएं, साइलेंस रहें, पूरे दिन साइलेंस खुद के साथ बिताएं, आत्मनिरीक्षण करें, अपनी सोल पे ध्यान दें, अपने आप पे ध्यान दें, थोड़ा शांत हो जाएं। ये हम मैसेज निकल के आ रहा है। सो अब है हमारा दूसरा कार्ड है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, नहीं भी हैं तो भी ये मैसेज आपके लिए है डिवाइन के द्वारा, कि अनस्टॉपेबल, आने वाले जो समय है उसमें आपको अनस्टॉपेबल रहना है। ये चीज़ साफ निकल के यहाँ से आ रही है, आप देख सकते हैं बहुत हैवी कार्ड है। अनस्टॉपेबल आपको रहना होगा आने वाले समय में, क्योंकि एलिफेंट कार्ड रिप्रेजेंट करता है शुभ चीज़ों को। आपके लाइफ में शुभ चीज़ें आ रही हैं, बिल्कुल भी आपके लाइफ में एक, जिसे कहते हैं ना कि लकी चीज़ें आ रही हैं, फेवरेबल चीज़ आ रही है आपके लाइफ में। वो लकी या फेवरेबल चीज़ आपको प्यार को लेके भी हो सकती है, वर्क, जॉब, मनी, फैमिलीज को भी लेके हो सकती है, और हैप्पीनेस आ रही है बहुत। ये अच्छा मैसेज है डिवाइन का, क्योंकि ये लास्ट कार्ड भी है डिवाइन की तरफ से, मैसेज ऑफ द वीक। हैप्पीनेस आ रही है, उसकी नींव पड़ जाएगी इस वीक में या नेक्स्ट वीक में, और आपको थोड़ा बहुत जो इंटेलिजेंस पावर आपका बढ़ता जाएगा। आपको एक तरफ, जिसे कहते हैं कि आपको फोकस रखना है, आप अगर कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको फोकस बनाए रखना होगा, थोड़ा सा जेनरस भी बनना होगा, उदार बनना होगा, लोगों की मदद करनी होगी आपको, चैरिटेबल बनिए, और रिचनेस आएगी इससे आपको। जितना आप दान करेंगे उतना रिचनेस आएगी आपको, इतने ज़्यादा पैसे आएंगे आपको। और एक चीज़ आप बिल्कुल भी भूल ना करें, आपकी, आप में से कुछ लोगों की सोच ये हो सकती है कि भाग्य पर विश्वास नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को, आप में से सिर्फ मेहनत पे विश्वास है आपको, भाग्य पे, डिस्टिनी पे आपको हो सकता है कि विश्वास ना हो, तो यहाँ पे आप गलत हैं। आपको ये मानना होगा कि भाग्य, आप जितना भी मेहनत करें, अगर आपके साथ किस्मत आपके अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं है आपके साथ, तो वो काम बनते बनते रह जाएगा। तो किस्मत को भी आपको लेके चलना होगा, साथ में काम को लेके, और किस्मत तभी अच्छी बनती है जब आपको, आप कोई अच्छा बढ़िया काम करें। और आपके लिए एक फाइनल वर्ड है यहाँ पे, ट्रस्ट। ट्रस्ट वर्दी बनना होगा आपको, ट्रस्ट करना होगा, तभी नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी, बहुत अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आ सकती है। तो थोड़ा ट्रस्ट वर्दी बने और सब कुछ मिलेगा आने वाले समय में। डिवाइन मैसेजेस और गाइडेंस ऑफ द वीक में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।